अगस्त से 8 अगस्त तक मुरादाबाद में सभी स्कूल कॉलेज बंद। सावन के आखिरी सोमवार के मद्देनजर आदेश। इस अवसर पर जिले में कांवड़ यात्रा के चलते मुरादाबाद जिला प्रशासन ने सभी स्कूल कॉलेजों को 6 से 8 अगस्त तक बंद रखने के आदेश जारी किया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रहते हैं और आपके घर में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। सावन का महीना चल रहा है और इन दोनों बारिश के चलते कई बार बच्चे स्कूल जाते हुए या स्कूल से आते समय भीग जाते हैं। अगर आपको भी इस बात से अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता होती है तो फिलहाल चिंता को अगले 3 दिन तक ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, क्योंकि मुरादाबाद जिला प्रशासन ने 6 अगस्त से 8 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। यह बाइट तक हम बात सर कामर और मुहर्रम को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जैसा आप नगर में देख रहे हैं कि इस समय कांवड़िए बड़ी संख्या में उनका नगर में प्रवेश शुरू हो चुका है और हरिद्वार साइड से और गढ़ साइड से दोनों साइड से बड़ी संख्या में कांवड़िए हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा पेयजल, सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, इस पर लगातार निगाह रखी जा रही है। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शनिवार रविवार शनिवार और सोमवार को मीन्स 6 तारीख और 8 तारीख को जिले के सभी विद्यालय प्राथमिक से लेकर के डिग्री कॉलेज तक बंद कर दिए गए, जिससे लोगों को आने जाने में किसी तरह की असुविधा न हो, यातायात बाधित न हो और कांवड़ियों को भी कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। तो हम लोग पूरी स्थितियों पर लगातार निगाह लगाए चुके हैं। पूरा हमारा प्रशासनिक और पुलिस तबका चुस्त दुरुस्त है और हर आवागमन पर निगाह रखी जा रही है और उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर ढंग से हम इस कांवड़ यात्रा को सर बंद करें। कोई अपील करना चाहेंगे? दोनों त्यौहार हैं। देखिए, मैं अपील यही करना चाहूँगा कि आगामी जो मंडे आ रहा है 8 तारीख जिस दिन कांवड़ यात्रा भी का अंतिम दिन है और 9 तारीख को मुहर्रम भी मनाया जा रहा है, तो इन दोनों को देखते हुए जो इस जिले की तहजीब रही है गंगा जमुनी तहजीब, आपस में लोग भाईचारा रखें, एक दूसरे को सहयोग करें और लगातार लोग कर भी रहे हैं, जिससे कि आपस में किसी तरह की कोई मतवैधि न हो और बेहतर ढंग से हम दोनों आयोजनों को कर सकें।